मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस चैप्टर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव, मैं आपका मैथ टीचर। आज आप लोग ले लेकर आया हूँ क्लास टेंथ की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर, चैप्टर 9 है, सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको हाइट्स एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। और आपकी ये जो चैप्टर की पहली वीडियो है, लाइक इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं या फिर आप सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं, तो ऐसा इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसका रियल लाइफ में जो आपने चैप्टर लास्ट पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है और इसका रियल लाइफ में भी यूज़ है। तो सम एप्लीकेशंस यानी कुछ एप्लीकेशन इसकी हम अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में, तो इसको सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट्स व्हाई बोला जाता है, ठीक है। यानी उन ट्रिग्नोमेट्री के चीज़ों को, उन फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर रियल लाइफ में अप्लाई करने वाले, दैट्स व्हाई रियल एप्लीकेशंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, यूज़ होने वाले हैं, ताकि हम उसके बेसिस पे आपको आगे क्वेश्चंस करा सकें। तो इसमें बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट है, पहला आप समझिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझने की जरूरत है कि व्हाट डू यू मीन बाई एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। सेकेंडली आपका आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये दो चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ बनता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी हाइट इतनी है और यहाँ नीचे एक आदमी खड़ा है जो इसको देख रहा है ऊपर की तरफ, इस तरीके से ये इसकी डायरेक्शन है देखने की। तो ये जो जमीन के साथ जहाँ पे आदमी खड़ा है, वो जो एंगल बनता है ना, ये एंगल विद द फुट ऑफ उस पर्सन के पैरों के साथ, वो जो एंगल बनता है जमीन के साथ, जो एंगल बनता है ऊपर की तरफ जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसके साथ, ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर हम बात करें, तो फिर से सिमिलरली एक आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई इमारत है, यहाँ पर नीचे जो है कोई ऑब्जेक्ट है और इस बार आदमी ऊपर खड़ा है, पहले आदमी यहाँ पर नीचे था वो पर्सन और अब जो है वो ऊपर खड़ा है और वहाँ से इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहा है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो नीचे की तरफ देख रहा है और इसके ठीक सामने आप एक काल्पनिक हॉरिजॉन्टल, आप कह सकते हैं काल्पनिक को बेसिकली इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, इमेजिनरी लाइन के साथ ये जो एंगल बनता है, इस इमेजिनरी लाइन के साथ ये जो ऑब्जेक्ट को देखते वक्त ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। कौन सा एंगल? ये जो एंगल बनता है, अगेन बार बार बोलो, ये जो एंगल बनता है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और तीसरा और अंतिम कॉन्सेप्ट हमारा इसी से रिलेटेड है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के। एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है। कैसे होता है वो ध्यान से देखिएगा कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन समझिएगा, जब हम बनाते हैं मान लीजिए ये, तो कुछ ऐसा मान लीजिए एक ये वाली लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं जो इसकी इमेजिनरी लाइन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के टाइम पर ड्रॉ किया था ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है मान लो और ये हमारे नीचे वो फुट ऑफ द टावर है, ठीक है। तो ये आपकी एक इमेजिनरी लाइन है, ये आपका जमीन जो बेस है वो है, ये मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हाइट है उस ऑब्जेक्ट की। तो इस तरीके से अगर मान लो ये इंसान यहाँ से खड़ा होकर इसको देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रहा है, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और अगर आदमी यहाँ खड़ा है और नीचे ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया ये वाला, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया ये वाला। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल ड्रॉ हो रही है एक तरीके से, ठीक है। और जब ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ हो रही है तो आपको पता है कि इंटीरियर अपोजिट एंगल ट्रांसवर्सल के बीच में इक्वल होता है, यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस होने पे उनके बीच में जब ट्रांसवर्सल होती है तो ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल बोलते हैं इनको, तो ये एंगल इक्वल होता है हमेशा इस एंगल के। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में भी बन रहा है। तो इस केस में ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन भी हमेशा इक्वल होंगे। तो ये इसके तीन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर्स के, पहले इनको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए इस वीडियो को देख के दोबारा रिपीट करके, और जब आपको क्लियर हो जाए तो फिर आप आगे वीडियो को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ले चल रहा हूँ आपको क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, और इसमें एक ही एक्सरसाइज है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी हो सका तो मैं इसके लिए एक पार्ट टू भी बनाऊंगा, वेदर आप डिमांड करते हो यानी उसके बेसिस पे, ठीक है। और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है हर साल, ठीक है, तो आपको वो देखना है, करना है, काफ़ी बड़े क्वेश्चन होते हैं, आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, फिगर बनाना मस्ट है, एक रफ फिगर आपको बनानी पड़ेगी इन क्वेश्चन को करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर देखिए तो पहला ही आपका क्वेश्चन है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहे 20 मीटर लॉन्ग रोप पे, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल
टू द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बोला था ना इसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स रियल लाइफ में इसका अप्लाई किया जाएगा, एप्लीकेशन यूज की जाएगी। तो एक पोल है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, और इस पोल की जो ऊंचाई है वहाँ से नीचे की तरफ जहाँ इंसान खड़ा है वहाँ तक एक रस्सी बांध दी गई है। इस रस्सी की लेंथ 20 मीटर गिवन है, ठीक है। ये जो पोल है इसकी हाइट h है, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं h है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता नहीं है, इसको हम d मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। बट एंगल ये जो दे रखा है हमें गिवन है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इस पोल के साथ यहाँ से, इस डिस्टेंस से, ठीक है, ठीक है। तो आपको इतना समझना है कि 30 डिग्री का डिस्टेंस बन रहा है, फिगर आपकी गिवन है, बुक में भी आप देख सकते हैं, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 20 मीटर इस रोप की हाइट है, ये आपकी हाइट हो गई इस पोल की, और ये आपका डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल टू द पर्सन, ठीक है। अब इस आदमी इसके ऊपर चढ़ रहा है तो पता ये लगाना कि पोल की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम किस तरीके से फाइंड करते हैं हाइट पोल की, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक ये है कि जो दो चीज़ें ट्रिक ये है कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन टू, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन टू ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक रेशियोस विच इंक्लूड फाइंडिंग थिंग। हमेशा याद रखिएगा कि उन दो चीजों के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज कीजिए जिनमें हमें कुछ फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए मुझे ये, एक तो मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, और दूसरा मुझे ये गिवन है, ठीक है। तो जो गिवन है और जो निकालना है उनके बीच रिलेशन फाइंड करना है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, क्योंकि आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ही जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो अप्लाई होता है। तो ये ऑब्वियसली बात है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशन होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल में होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो हाइट होगी ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में जो हाइपोटेनस होता है वो होता है साइन थीटा, और मैंने परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस ही क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना था और हाइपोटेनस मुझे गिवन थी, ठीक है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर यहाँ पे h है और हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है 20 है, तो आप इक्वल टू में रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद आपको पता है यहाँ पर ये रखने पे, इन दोनों का रिलेशन रखने पे जो एंगल आ रहा है वो कितने का आ रहा है 30 डिग्री का, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि h अपॉन में 20 की जो वैल्यू है वो होगा साइन 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर, ठीक है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 होती है, ठीक है। तो h यहाँ से निकल के आ जाएगा, 20 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके पास, यहाँ पर 20 अपॉन में 2 दैट इज 10 मीटर, तो इसलिए जो हाइट है पोल की वो आ जाएगी 10 मीटर। इस तरीके से ये लेंथ निकल जाएगी, ये हमारा आंसर है। बहुत ईजी होता है, बस हमें जो चीज़ गिवन है और जिसके बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है, जो चीज़ गिवन है और जो फाइंड करना है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन सेट करना होता है फ्रॉम द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक क्वेश्चन आप और देख सकते हैं सेकंड, ठीक है, सेकंड पे अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड का फिगर मैं आपको बना के अभी दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ड्यू टू एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक तूफान आया और एक पेड़ जो है वो उससे टूट गया, टूट के वो बेंड हो गया, लाइक मान लो उसकी पूरी हाइट रही होगी, ऐसा कुछ रहा होगा, लंबी हाइट रही होगी नीचे तक, ठीक है, अगेन बनाता हूँ मैं, ऐसी हाइट रही होगी। अब मान लो वो यहाँ से टूट गया, टूट के ये जो पोर्शन है ना बैंड होकर नीचे आ गया इस तरीके से, ठीक है, नीचे आ गया ये चीज़, और मैं इसको नीचे बना देता हूँ थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा। तो ये कुछ ऐसा टूट के कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है बैंड होने पे, ठीक है, बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। अब ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड है इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको क्लियर होगा। With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. अब distance जो है foot of the tree से जहाँ पे ground को touch करा ये 8 meter का distance है यहाँ तक का, ठीक है, इस point का, इसको आप a मान लो,
इसको आप बी मान लो और इसको सी मान लो, ठीक है। तो ये आपका 8 मीटर का डिस्टेंस है। अब बोला द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ट्री की फाइंड करनी, तो हाइट कैसे निकलेगा पता हो आप? हाइट आपका निकलेगा ये पोर्शन, ठीक है, जिसको आप x1 मान लो, और ये पोर्शन जिसको x2, दोनों को फाइंड करके निकलेगा हाइट ट्री का, दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। यानी हाइट कैसे निकलेगी आप बताओ? हाइट इज इक्वल टू, हाइट आपकी निकलेगी x1 प्लस में x2, दोनों को ऐड करके निकलेगी, ठीक है, x1 प्लस में x2 दोनों को ऐड करके निकलेगी। तो उस केस में पहले हमें फाइंड करना है x1 और x2, और वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो आप देखो। पहले मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन बनाऊंगा, x1 अपॉन में 8, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है tan थीटा, ठीक है। तो tan 30 डिग्री आ जाएगा, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 3। तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकल जाएगी 8 अपॉन रूट 3, ठीक है। इसके बाद हमें दूसरे के साथ रिलेशन निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्स कर देंगे, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्स कर देंगे। बेस हमारा ये हो जाएगा 8, और हाइपोटेन्स हमारा है x2, ठीक है, ठीक है। तो बेस हमारा हो जाएगा 8, और हाइपोटेन्स हो जाएगी x2। ये हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3 बाई 2, ठीक है, रूट 3 बाई, रूट थ्री बाई टू नहीं होती, वन बाई रूट टू होती है, आई थिंक वन बाई रूट टू, या एंगल आई थिंक वन अपॉन, एक सेकेंड इसका मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, मैं इधर साइड में सॉल्व कर देता हूँ, या फिर इसको रब कर दे रहा हूँ मैं, आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे अब तक। देखिए अब अगर हम 8 अपॉन में x2 इज इक्वल टू रखें रूट 3 अपॉन में 2, तो x2 की वैल्यू, x2 तो यहाँ आ जाएगा, आपको पता है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x2 इधर आ जाएगा, और ये 8 इंटू में 2 हो जाएगा, और रूट 3 आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ से x2 की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 16 अपॉन में रूट 3, ठीक है। तो हमें दोनों अगर हाइट निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है x1 प्लस में x2, x1 की वैल्यू आपको मिली गई थी यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू ये दी, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी हमें x1 प्लस में x2 8 अपॉन में रूट 3, यानी एक तरीके से डायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो 24 अपॉन में रूट 3 आ जाएगा, लेकिन कभी भी हाइट रूट में नहीं निकलती है, मतलब नीचे हम रूट नहीं छोड़ सकते, तो इसका रैशनलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हाइट निकल के आएगी ऑटोमेटिकली, एक्चुअल हाइट वो आ जाएगी 24 अपॉन में रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 3 अपॉन में रूट 3, ठीक है। तो आ जाएगा 3 और इंटू में रूट 3, 3 अट्ठे, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो हाइट आएगी ट्री की वो आएगी 8 रूट 3 मीटर। इस तरीके से निकलेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको आपके लिए सर्कल कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको दो क्वेश्चन बैक टू बैक कराए हैं, अब आप थोड़ा सा आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन है इसमें 16 के आसपास स्टूडेंट्स, कुछ मैं इस पार्ट में करा दे रहा हूँ, कुछ के लिए मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट हम ले लें, ठीक है। एक आप और देख लो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लो आप, बोला एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर का फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब मैं रब कर रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर का। एक बात और नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स कि आपको हर हालत में फिगर बनानी ही बनानी है, उससे टीचर को भी समझने में मदद मिलती है, तो आपको बोर्ड के एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपका एक टॉप ऑफ द टावर है, ठीक है, एक टावर है इस तरीके से, उसके टॉप से रफ फिगर पहले ही बना दीजिएगा, लेकिन फिगर जरूर बनाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टॉप ऑफ द टावर से एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब टावर का जो फुट है यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर गिवन है, ठीक है, ये आपको इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, और ये इसकी हाइट है टावर की, ठीक है, वही हाइट है। तो अब बोल रहा है कि फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन,
ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन है, यानी इसके पैरेलल एक आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, ये 30 डिग्री का होगा, तो अगर ये 30 का होगा तो ऑटोमेटिकली जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो भी 30 डिग्री का इंक्लूडेड होगा, ठीक है, होगा। अब आपको बोल ये रहा है कि यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, आपको ये एच की वैल्यू निकालनी है, हाइट जो है टावर की, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो होता है वो होता है टेन थीटा, और मैं इसी का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि हमें जो है वो एच निकालना है और हमें जो बेस है वो हमें गिवन है 30 मीटर, ठीक है, तो ये निकलेगा टेन, इसकी वैल्यू हम रखेंगे टेन कितना, अब बताओ टेन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री गिवन है, और हमें पता है कि एच की वैल्यू निकालने के लिए 30 मीटर यहाँ जाएगा और टेन 30 की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टेन 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 1/(1) कितना होता है, √3, ठीक है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इस केस में यहाँ पर आ जाएगा 30√3, लेकिन मैंने आपको बताया कभी भी आंसर रूट में नहीं आता, तो आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 10√3, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर 3 बना देंगे, ठीक है, √3 × √3 कितना होता है 3 होता है, 3 से जब इसको काटेंगे आप तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है, इसी को आप नोट कर लेना, तो 10√3 मीटर जो है वो हाइट आ जाएगी इसकी, इसलिए हाइट जो है वो 10√3 मीटर्स आ जाएगी। रूट में आप आंसर छोड़ सकते हैं लेकिन ऊपर की तरफ, नीचे नहीं, नीचे आपको हमेशा रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आप, सिक्स बोल रहा है एक काइट है, सॉरी एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि स्टैंड करता है एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है ऐसी, उससे कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर ऊंचाई है, यहाँ पे 1.5 मीटर की हाइट पे एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, तो अब बोल रहा है कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका जो है ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, जैसे जब वो बिल्डिंग के पास आता जा रहा है ऐसे, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ऐसा, वो बढ़ता जा रहा है बिल्डिंग के लिए, यानी अगर हम इसके आई लेवल से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें इमेजिनरी, तो ये एंगल ऑब्वियसली बात है इस एंगल से ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, तो ये एंगल पहले 30 डिग्री था और ये एंगल अब 60 डिग्री हो गया है, ठीक है, तो अब बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब अज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रेचिंग, नहीं 30 डिग्री ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ ये जितना चला इस डिस्टेंस को निकालना है आपको, ये मान लो एक्स मान लो आप इसको, और टोटल डिस्टेंस को आप डी मान लो, ठीक है, तो आपको ये चीज निकालनी है, सिर्फ इतना पोर्शन जितना वो चला है, बिल्डिंग की हाइट को हम एच मान लेते हैं, या फिर बिल्डिंग की हाइट शायद गिवन भी है 30 मीटर टॉल है, तो ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें दो इक्वेशन बनेंगी, ये हाइट आपको 30 मीटर पूरी गिवन है बिल्डिंग की, ठीक है, तो इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे, आपको एक बार समझने की जरूरत है, आप इसको ए मान लो, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस फिगर में बेसिकली अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आप देखो 30 डिग्री आप परपेंडिकुलर ले लो, यानी परपेंडिकुलर आप ऊपर रखो और बेस में आप बी सी ले लो, तो परपेंडिकुलर अपन में बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन का एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, तो 30 अपॉन में बी सी इधर को लो टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है, बी सी यहाँ चला जाएगा तो 30√3 आ जाएगा नीचे, और आपको पता है रूट कभी भी नीचे नहीं छोड़ता, तो 30√3 × √3 × √3 रैशनलाइज हो जाएगा बी सी के बराबर, तो जो बी सी की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, आपको पता है 30√3 ऊपर नीचे 3 से कट जाएगा, बी सी इक्वल टू आ जाएगा 10√3, ये तो आ गई बी सी की लेंथ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बी सी की लेंथ निकालने के बाद हमें निकालना है एक्चुअली ये, तो हम पूरा डी ले लेंगे हम ट्रेंगल, अब ए बी डी की बात कर देते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, आई होप आपने ये अब तक समझ लिया होगा, ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आपने,
अब आप देखिए ध्यान से, इन ट्रेंगल ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी जो बड़ा वाला ट्रेंगल है उसमें क्या होगा, उसमें भी आप परपेंडिकुलर कोण में बेस ले लो। परपेंडिकुलर आपका कितना है, 30 डिग्री है, और बेस कितना है, बी डी है। ठीक है, बेस कितना है, बी डी है। तो टेन, टेन कितना आ जाएगा, टेन 30 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसका सिंपल था मतलब है कि 30 डिग्री अपॉन में बी डी की वैल्यू हमने चलो बी डी मान लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। अगर हम बी डी की बात करें तो 30 डिग्री तो है ही, इंटू में √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी डी वहाँ पर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लीकेशन में, तो 30√3 हो जाएगा बी डी की वैल्यू। लेकिन आपको पता है कि बी डी में क्या क्या इंक्लूडेड है, बी डी में दो चीज़ें इंक्लूडेड है, एक तो आपका बी सी है और प्लस में सी डी है। तो अगर आप बात करें तो बी डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी सी तो यहीं रहे, प्लस में सी डी की वैल्यू एक्स लेट कर लेते हैं। और आपको पता है कि बी डी में जो बी सी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 10√3 निकाली थी, प्लस में एक्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 10√3 इधर ले आके माइनस कर दें, 30 √3 में से माइनस कर दें 10√3, तो हमारा एक्स की वैल्यू जितना डिस्टेंस उतना चला वो आ जाएगा, 20√3 इज इक्वल टू एक्स, यानी इतना मीटर उसने डिस्टेंस चला है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 20√3 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी इसका आंसर है। तो आई होप आपको वीडियोस में अभी तक सभी कुछ क्लियर होगा। वीडियोस को एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको लाइव क्लासेस में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।